नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समान धन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 162 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 162 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों के किया जाता है। ऑप्टिकल लेंस का उपयोग किस दोष में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के रोगियों को किया जाता है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 यूनिट होता है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 98 यूनिट होता है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्पेरल्स इत्यादि प्रजनन बीजाणु प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका में बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनुभूजा चूना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होता है। कूलम्ब विद्युत आवेश की SI इकाई है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व विद्युतक के कारण जड़ तथा ताना के घेरे में वृद्धि होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022×10^23 होता है। नेक्स्ट, जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जेम्स मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। वोल्ट है। प्रसरण तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के लिए बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CaO एस्केलेट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। OHMM प्रतिरोधकता की SI इकाई है। ओम पर मीटर प्रतिरोधकता की SI इकाई है। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी आएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z14 को AL और P के बीच में रखा गया है। एल्युमिनियम और फॉस्फोरस के बीच रखा गया है। अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है।
अंडे देने वाले जानवर को क्या कहते हैं? अंडे जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब्सट्रेट पूर्ण विघटन को अनऑक्सीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब्सट्रेट के पूर्ण विघटन को अनऑक्सीय श्वसन कहा जाता है। ईयू सबसे अधिक तन्य धातु है। मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चोर्ड से उत्पन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का आण्विक सूत्र CaO होता है। CaO होता है। वनस्पतिक ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशियां बेलनाकार शाखित और एकल नाभिक होती है। किसी भी माध्यम में जैसे कि हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अंडे देने वाली प्राणियों को अंडज कहा जाता है। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती है। धातु विद्युत की अस्थि सुचालक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबूझे चूने के आण्विक सूत्र CaO है। अनबूझे चूने के रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है। गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होती है। कार्य बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट टिप या सूट टिप में विभिजोतक ऊतक पाया जाता है। चमेली फूल की पत्तियां किसी बिलियन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। अनुपदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसके पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है। बल गुने विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बांध बनाने का एक कारण इसका छोटा आकार है। मछली में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। अनऑक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल में पुनः विघटित के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवट्यूब और सहकोशिका मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। जब लिटमस बिलियम न हो तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। एने धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक मोटी जेल की सतह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है।
हमारे शरीर में कई अंग हैं, त्वचा अंग सबसे बड़ा है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में तीन कक्षीय हृदय होता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अर्थोपोडा जानवर का सबसे बड़ा समूह है। पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है। प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के C60 अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको ऐसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।